अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सागर भट्ट और आप देख रहे हैं द एसएचबी टीवी। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए भरत भूषण जी जुड़े हैं, जो जम्मू कश्मीर टीचर फर्म के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू के हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और अभी जो करंट बर्निंग इशूज़ हैं टीचर्स के, तो अभी कोविड-19 भी है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बर्निंग इशूज़ हैं टीचर के, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं टीचर्स को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने चैनल में मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ आपका। सर, आप हमें बताएं कि अभी जो बर्निंग इश्यूज़ हैं टीचर्स के, अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 के अंदर भी जो टीचर्स हैं उन्होंने पूरा साथ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का, लेकिन टीचर्स के कुछ अपने भी इश्यूज़ होते हैं, तो वो क्या क्या इश्यूज़ हैं सर? जी बहुत अच्छा सर, जैसा कि आपने खुद ही ये बात बोल दी कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी हमारे टीचर्स ने फ्रंट फुट पे आके काम किया है, अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइन आई हैं, जो भी कहीं उनका ऑर्डर हुआ है, चाहे कोविड टेस्टिंग ड्यूटी के लिए ऑर्डर हुआ है किसी का, या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, कम्युनिटी क्लासेस के लिए, हर जगह टीचर्स ने अच्छे से परफॉर्म की हैं ड्यूटीज़। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि जब टीचर्स को वेलफेयर देने की बारी आती है तो क्यों हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं किसी एक प्रिटेक्स्ट के द्वारा या किसी दूसरे कारण से उनको महरूम रखते हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं। जैसा कि एक बेसिक राइट बनता है हर एक टीचर का कि उनको टाइमली जो है प्रमोट किया जाए। डीपीसी की जहाँ तक हम बात करते हैं, 2014 में फरवरी के मंथ में हमारी टीचर टू मास्टर डीपीसी हुई थी, लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज तक टीचर टू मास्टर डीपीसी नहीं हो पाई है। उसके बाद मास्टर से हेड मास्टर की पोस्ट के लिए जो डीपीसी होती है, सैकड़ों नहीं मैं कहूँगा कि लगभग 1000 के करीब पूरी स्टेट के अंदर हेड मास्टर की पोस्ट खाली होंगी, जिससे दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो जो लोग प्रमोट जिनकी प्रमोशन डिज़र्व करती हैं, जो मतलब हेडमास्टर बनने की कैटेगरी में आते हैं, एक तो वो लोग प्रमोट नहीं हो रहे हैं, और दूसरा जो हाई स्कूल हेडलेस हैं, हमारे जो आरईटी भाई हैं उनकी बहुत सी फाइलें अभी तक रेगुलराइजेशन के लिए पेंडिंग हैं, जहाँ जो रेगुलराइज हो चुके हैं उनकी कन्वर्जन है Grade 2, Grade 3 टीचर में, वो पेंडिंग है। फिर काफ़ी देर से ये मसला उठाया जा रहा है कि जो आरईटी बहन भाई हैं हमारे, उनको भी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है लागू होनी चाहिए। और बहुत सारे मसले मिसाइल हैं, जैसे हमारे जो टीचर्स हैं, कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं कोविड की ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, लेकिन इनको कोविड वॉरियर का दर्जा नहीं दिया गया है। जब पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को आपने कोविड वॉरियर का दर्जा दिया है, तो हमारे टीचर्स को क्यों नहीं? सर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, यूटी बन चुकी है जम्मू कश्मीर, और जब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ था तो यहाँ से जो कुछ टीचर्स थे वो लद्दाख में काम कर रहे थे, अभी तक उनकी जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक सिलसिला कहाँ तक पहुँचा हुआ है सर? बिल्कुल सर, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ कि जो लोग आप यूटी लद्दाख में जिनको जिनकी सर्विसेज ले रहे हो, उनका भी एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि 1 साल या 2 साल के अंदर ऑटोमेटिकली उनकी सर्विसेज वहाँ देने के बाद उसकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए बैक टू हिज ओरिजिनल, मतलब नेटिव जो प्लेस है वहाँ पे उसको वापस लाना चाहिए। दूसरा सबसे अहम मसला, आपने यहाँ यूटी की बात की है सर, 3 साल से ऊपर हो गया है JNK को यूटी का दर्जा मिले हुए, आज तक सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अलग अलग फोरम्स के द्वारा, और ख़ासकर हमारी जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है लेड बाई श्री गणेश खजूरिया जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं, उन्होंने बार बार ये मसला उठाया है कि जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ को यूटी के ग्रेड्स मिलने चाहिए, आज तक उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। यूटी की जो सर्विसेज हैं वो सारी लागू हो रही हैं JNK में, लेकिन यूटी के ग्रेड्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट। एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि हमारे जो मसले मिसाइल हैं, जब हमारी फाइल किसी ऑफिस के अंदर पहुंचती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, तो हम पूरी अपनी जो एनर्जी है वो अपनी क्लासरूम में लगा सकें।
तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ जुड़े थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर फॉर्म के भारत भूषण जी। तो टीचर्स के मसलों मसाइल, इसके साथ साथ जो अहम चीज़ थी कि कोविड वॉरियर्स जितने भी थे, चाहे हम मेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, इसके अलावा दिगर जो डिपार्टमेंट हैं उनको कोविड वॉरियर्स का खिताब दिया, लेकिन टीचर्स का जो अहम रोल रहा, खाना भी बनाया, जब कोविड 19 के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे थे उस टाइम खाना टीचरों ने खुद खाना बनाया है, उसके बावजूद भी जिन टीचर्स की डेथ हुई है उनको कोविड 19 वॉरियर्स का खिताब नहीं मिला है। तो ये हमारे साथ भारत भूषण जी जुड़े थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू है जम्मू कश्मीर टीचर फॉर्म के। इनसे हमने कुछ गुफ्तगु की कि टीचर्स के मसलों मसाइल क्या है, और इन्होंने बखूबी बताया कि टीचर्स के मसलों मसाइल क्या हैं अभी इस सिचुएशन में, बर्निंग इश्यूज़ क्या हैं टीचर्स के। फ़िलहाल आप ऐसे ही देखते रहिए द एसएचबी टीवी, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।